इसमें मैं ये कहना है कि ये जो बीटी रोड के बारे से उन लोगों ने घोषणा किया है वो ये देखिए मेरे लेटर पेड में माननीय लता संडी जी, मैं खुद जाके सीएम साहब से रमन सिंह जी से ये उसका पूरा मतलब स्वीकृति करा के और इसका पैसा भी कुछ आ चुका है और इसमें मतलब टेंडर भी हो चुका है, टेंडर खुल भी चुका है इसका। और दूसरा रहा मंगली भवन, उसका भी मैंने 1,46,00,000 रुपया का टेंडर, इसमें 73,00,000 रुपया आ चुका है, इसका टेंडर लग चुका है, खुल चुका है, मरीश दिवांगन जी ठेकेदार को मिल भी चुका है। और जो तीसरा है मुक्तिधाम का, इसमें भी 1,46,00,000 की घोषणा हुई थी और इसमें टेंडर लग चुका है, इसके कारण नहीं खुला था जो आचार संहिता लगी हुई थी। तो ये सोचिए आप लोग, एक टेंडर लगाने के लिए उसको टीएस कराना, राशि को लाना, उसको पास कराना कम से कम 1.5 महीना लगता है और टेंडर लगाने के बाद 21 दिन के बाद टेंडर खुलता है। आज इनका जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसको 10 दिन नहीं हुए, तो इतने दिन से ये लोग अपना पैसा भी भेज दिए, टेंडर भी लगा दिए, ये खाली मतलब जो पूरा पैसा जो बीजेपी गवर्नमेंट का है ये खाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, यही मेरा कहना है। और सिर्फ मतलब अपना श्रेय लेने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, मगर जनता समझदार है, सब जानती है।